जैसा कि कोरोना वायरस में शराब की बिक्री का क्या महत्व है, तो कोरोना महामारी के दौर में शराब की बिक्री कैसे बढ़ी, तो आप लोगों को यही पे चर्चा करना चाहता हूँ। तो चलिए पहले टॉप स्टोरी पे बताता हूँ। तो टॉप स्टोरी क्या है, राहुल गांधी ने कहा तूफानी आया नहीं आने वाला है। इसका मतलब है राहुल गांधी कांग्रेस नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा तूफान आने वाला है, ज़बरदस्त आर्थिक नुकसान होने वाला है, इसमें सबको चोट लगेगी। तो चलिए हम पहले शराब की बात कर लेते हैं। क्या है, 3 मई को भारत में लॉकडाउन के दूसरे चरण के अंत हुआ और इसके बाद 4 से इसके तीसरे की शुरुआत हुई। तीसरे चरण से पहले दिन शराब, पहले ही दिन शराब, मतलब तीसरे चरण के लॉकडाउन में पहले ही दिन शराब की बिक्री धुआंधार हुई। मतलब कि 4 मई को देश भर में शराब लंबी लंबी कतारें लगकर लोग शराब खरीद रहे थे। तो 25 मार्च से भारत में लॉकडाउन लागू किया गया था, जिसके बाद पूरे भारत में शराब की बिक्री बंद हो गई थी। 25 मार्च से लॉकडाउन हुआ था। ये एक करंट अफेयर है, क्वेश्चन है, लॉकडाउन कब से शुरू हुआ है। तो 25 मार्च से शुरू हुआ है। राजधानी दिल्ली समेत कई देश में राज्यों में इन दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ती दिखाई दे रही है। शराब की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ती दिखाई दे रही है। कई जगह हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि कुछ जगह पर पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा और शराब की दुकानें भी बंद कराना पड़ा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इन हालात को लेकर दुखी हैं। सख्त नज़र आए सोमवार शाम खबर आई कि दिल्ली सरकार ने शराब के दाम बढ़ा दिए हैं और अब MRP से 70% महंगी मिलेगी। इसे स्पेशल कोरोना फीस का नाम दिया गया, लेकिन मंगलवार यानी 5 मई भी इसका कुछ असर होता दिखाई नहीं दिया। मतलब कि शराब की बिक्री जमकर हुई। तो शराब की दुकानों के सामने भीड़ इकट्ठा होना कम नहीं हुआ। तो चलिए हम मेन मुद्दा बताते हैं कि शराब की बिक्री लॉकडाउन में होना ज़रूरी है या नहीं। तो इस चर्चे पे हम थोड़ी देर में अभी शराब के बिकने और ना बिकने के बारे में बताते हैं कि बिकना शराब का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है। तो लॉकडाउन के तीसरे चरण में जैसे ही केंद्र सरकार ने शराब की बिक्री के प्रतिबंध हटाया, वैसे ही दिल्ली, मुंबई, कोलकाता से लेकर छोटे शहरों में भी भीड़ लगने शुरू हो गई। शराब की दुकानों पर 1 या 2 किलोमीटर लंबी कतारें लगी थी। उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में 2 भारी बारिश के बीच भी लोग कतार में खड़े थे। सर आप कितने दीवाने हो गए हैं बताइए। लोगों की लंबी कतारें एक और राज्य सरकारों के लिए कोरोना संक्रमण के आंकड़ों के बढ़ने का कारण बन सकता है। तो दूसरी और कतारें राज्य सरकार व्यवस्था अर्थव्यवस्था दुरुस्त करने के लिए एकमात्र साधन भी लग सकता है। हालांकि लॉकडाउन के पहले चरण 25 मार्च 14 अप्रैल में असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, केरल और पंजाब ने कड़े निर्देश के साथ कुछ शराब की दुकानें खोली थी, क्योंकि तब केंद्र सरकार ने शराब की बिक्री पर कोई स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं की थी। बाद में केंद्र सरकार ने इन राज्यों को ऐसा करने से मना किया। 15 अप्रैल को केंद्र ने स्पष्ट रूप से गाइडलाइन जारी किया कि शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दी थी, जिसको अब तीसरे चरण में हटा दिया जाएगा। बिहार, गुजरात, नागालैंड, मिजोरम में केंद्र शासित लक्षद्वीप, इन राज्यों को छोड़कर जहां शराब बैन है, अन्य राज्यों के लिए शराब पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी कमाई का मजबूत स्रोत हो सकता है। मतलब कि भारत अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ये लॉकडाउन में शराब की बिक्री जारी की है। आरबीआई के राज्य वित्त पर किस एक शोध की 2019-20 रिपोर्ट के अनुसार कई राज्यों के खुद के कर राजस्व का 10-15% हिसाब से शराब पर लगे एक्साइज ड्यूटी से आता है। मतलब कि 10-15% टैक्स भारत सरकार के खाते में शराब बिक्री से आता है। तो ये सबसे अहम भूमिका है करंट अफेयर का कि भारत में सबसे ज़्यादा
एक्साइज ड्यूटी मतलब शराब बिक्री पर कितना परसेंट आता है? 10 से 15% शराब बिक्री पर टैक्स आता है। तो 4 मई से प्रतिबंध हटाने के बाद 70 करोड़ रुपए कमाए। उत्तर प्रदेश ने 100 करोड़ रुपए तक की शराब बिक्री की है, जबकि नहीं 300 करोड़ की शराब बिक्री की, जबकि 100 करोड़ एक्साइज टैक्स उत्तर प्रदेश के राजस्व में 100 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। सेंट्रल एक्साइज केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग ने एडिशनल कमिश्नर के पद पर काम कर रहे एक अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि शराब से जुड़े कर का लाभ भी राज्य सरकारों को ही मिलता है और उसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। मतलब कि अगर 300 करोड़ की शराब बिकी उत्तर प्रदेश में, 100 करोड़ कमा रही है सरकार उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में ही 100 करोड़ उनका ही राजस्व बनेगा और केंद्र सरकार इस पैसे में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। विदेशी शराब के आयात पर लगने वाला कस्टम टैक्स केंद्र सरकार के खाते में जाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश में अगर विदेशी शराब बिकेगी तो उसका कस्टम टैक्स केंद्र सरकार के खाते में जाएगा। शराब की जीएसटी न लगने की वजह से राज्य सरकार मुनाफा अच्छा कमा लेती है। ऐसे में सवाल यह है कि जब शराब बेचनी ही है तो कोरोना काल में भीड़ से बचने के लिए ऑनलाइन सेवा का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल क्या राज्यों में किया जा सकता है? छत्तीसगढ़ ने 5 मई को ग्रीन जोन में शराब की ऑनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी शुरू की। पंजाब ने अपनी ऑनलाइन सेवा जो जारी नहीं की, लेकिन ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में होम डिलीवरी पर विचार कर रही है, लेकिन यह फार्मूला कितना कारगर है? ऑनलाइन शराब की बिक्री पर कानून क्या कहता है? तो आपको बताना चाहूँगा, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार शराब की बिक्री से जुड़े कानून राज्य सरकार बना सकती है। मतलब कि राज्य सरकार कानून बना सकती है शराब की ऑनलाइन बिक्री पे। तो दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील रूपचंद तिवारी के अनुसार हर राज्य सरकार ने अपने अनुसार ऑनलाइन शराब की बिक्री के नियम बनाए हैं। कहीं यह प्रतिबंधित तो नहीं है, कहीं इस विकल्प का एक्ट जिक्र नहीं हुआ है, मतलब इसका एक्ट कोई अभी जिक्र नहीं हुआ है। अगर शराब पीने की उम्र भी बात करें तो यह हर राज्य में अलग अलग जैसी है। 25 साल गोवा, कर्नाटक में 18 साल तो केरल में 23 साल है। वो बताते हैं कि चूंकि भारत इस वक्त कोरोना वायरस से आई वैश्विक आपदा से निपट रहा है, इसके कारण आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के तहत लोगों को आपदा से बचाने के लिए नियमों का कानून बदलाव किया जा सकता है, जैसे छत्तीसगढ़ ने किया वैसे अन्य राज्य भी कर सकते हैं। रूपचंद बताते हैं कि फिलहाल दिल्ली एक्साइज एक्ट 2019 के अनुसार शराब की ऑनलाइन बिक्री पर प्रतिबंध है। दिल्ली सरकार एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 और दिल्ली एपिडेमिक डिसीज कोविड 19 रेगुलेशन 2020 का इस्तेमाल कर कुछ समय के लिए ऑनलाइन बिक्री शुरू कर सकती है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट के वकील देवांशु खन्ना का मानना है कि कोरोना आपदा के चलते अध्यादेश पारित कर राज्य सरकारें शराब की ऑनलाइन बिक्री शुरू कर सकती है, लेकिन सबको सतर्कता से लागू करना होगा ताकि इस मौके का फ़ायदा उठाकर कोई इसकी तस्करी न करे। आपको थोड़ा समझा रहा हूँ कि अगर ऑनलाइन बिक्री हो रही है, ऑनलाइन शराब हो रही है, तो कहीं इसकी तस्करी न हो, मतलब दूसरे देशों में, जैसे गुजरात में शराब बैन है, बिहार में शराब बैन है, तो इसकी तस्करी भी हो सकती है ऑनलाइन में। तो वो बताते हैं कि हाल ही में केरल के एक नागरिक ने केरल हाई कोर्ट में शराब की होम डिलीवरी के लिए याचिका दायर की थी, जिसको कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि सरकार इस पर निर्णय ले सकती है, कोर्ट नहीं। तो मैं आपकी राय, शराब के ठेकेदारों की क्या है राय? तो शराब के ठेकेदारों की क्या है राय, मतलब जो दुकानदार शराब की दुकान रखे हुए हैं उनके राय क्या है, आप जान लीजिए। दिल्ली के एक शराब दुकानदार ने अपनी पहचान गुप्त रखने की शर्त पर बीबीसी को बताया कि सरकारी और प्राइवेट दुकानें को मिलाकर दिल्ली में 700 से ज़्यादा शराब की दुकानें हैं और इस वक्त केवल 7500 दुकानें ही खोली गई हैं।
डिमांड ज़्यादा है, इसलिए सप्लाई सिर्फ कुछ ही दुकानें पर की गई है, जिससे यह दिक्कत हो सकती है कि अगर इन दुकानों में स्टॉक की कमी हुई तो भीड़ ज़्यादा होगी, दुकानदारों पर हावी हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार ने केवल 6 और L8 लाइसेंस वाली दुकानें ही खोली हैं जो सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। इन दुकानों में स्टॉक भी ज़्यादा नहीं होता। वो कहते हैं ऑनलाइन सेवा शुरू करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है, रिटेल विक्रेता से स्टॉक लेकर ऑनलाइन बेचा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के एक्साइज विभाग में कार्यरत एक अधिकारी ने पहचान जाहिर न करने की शर्त पर BBC को बताया कि उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन शराब की बिक्री जैसी सेवा नहीं है, यहाँ पर लाइसेंस वाली रिटेल दुकानों की बिक्री जारी है। तो इसी के साथ आप समझ गए होंगे कि ऑनलाइन मतलब शराब की बिक्री अहम भूमिका है अर्थव्यवस्था, सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार शराब से कमाती है, मतलब कि टैक्स। अगर 300 करोड़ की शराब बिकी है एक दिन में तो मान के चलिए कि 100 करोड़ उनको फ़ायदा हुआ है। तो इसी खबर के साथ आज का शुभ दिन। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।